हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय अंतर्गत इंटरव्यू हेतु आर्य अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष दोगुने से कम होने के कारण परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के चतुर्थ संशोधन 2016 के नियम 5 में उल्लेखित प्राविधानों के क्रम में पदों के सापेक्ष एपीआई की मेरिट के आधार पर श्रेणीवार उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। औपबंधिक रूप से नवीन शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की गई। नवीन शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों से संबंधित अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 13 सितंबर 2024 शुक्रवार तक उपलब्ध कराए जाने हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभिलेख पर विचार नहीं किया जाएगा। कब किया जाने हैं आपके? 13 सितंबर शुक्रवार तक अभिलेख क्या किया जाने हैं आयोग कार्यालय में दिनांक कब? 13 सितंबर 2024 को शुक्रवार तक उपलब्ध कराए जाने हैं। आप 13 सितंबर तक उपलब्ध करा सकते हैं। आगे कहा गया है, उक्त के अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय में विज्ञप्ति दिनांक 3 जून 2024 के क्रम में अनार्य सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमानी अर्हता विषय सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन दिनांक 18 जून 2024 तक का समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों पर परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण माननीय आयोग द्वारा कर दिया गया, जिसके क्रम में अंतिम रूप से अनार्य अभ्यर्थियों की सूचना एवं अधिमानी अर्हता से संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से प्रत्यक्ष सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि आपके इतिहास की ये प्रोफेसर की जॉब थी, इसके लिए आपसे 13 सितंबर तक जो भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे उनमें उनके दावों को अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 13 दिसंबर तक आपको शुक्रवार तक उपलब्ध कराना है। और देखिए, जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं सबको ही ये किया जाना है। इसमें आपको अलग से कोई भी सूचना डाक के माध्यम से नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ आपकी ये 15 दिन का समय दिया गया था उस टाइम कब दिया गया था? 15 दिन का समय दिया गया था, जो आपको 18 जून 2024 तक का समय प्रदान किया गया था। उस टाइम जब आपका 3 जून 2024 के क्रम में अनार्य सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमान्य अर्हता विषय सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कितने समय दिया गया था? 15 का समय दिया गया था। उसी टाइम आपको जो भी समय था 18 जून 2024 तक का समय दिया गया था, और इसमें आपको डाक से कोई सूचना प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।